पता चला है हमारे रहते तो प्रशासन ने पूरी नमक हरामी करी है जी, और मारे भीतर जाने के बाद भी करी है जी बिल्कुल। पुलिस वाले भाई के मेरे बेटे नु समझोते अगर हम भीतर चले गए तो के बाहर ना होंगे, ये आगे शेर सारे खड़े हैं और दिखाएंगे आने वाले टाइम पे। सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं हमारी पूरी नाहरपुर की टीम का जी, नाहरपुर रोहिणी दिल्ली सेक्टर 7 डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति विद भीमसेना। दूसरी बात, जितने साथी जेल गए हैं आज एक क्रांति का जो है ना नाम जो हम लेते हैं ना वो यहाँ पैदा हो गई है। और इतिहास उठाकर देख लेना 2016 से 2022 तक का मई का महीना क्रांति कर रहा है, मई का महीना जय भीम। और हर बार ऐसे क्रांति नहीं 2022 साल ही है, इब आर और पार करेंगे भाई। ये जेल हमारे हौसले नहीं तोड़ सकती। जब तक जेल में दाना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। बहुत बढ़िया, जय भीम जय भीम। अगली बात, जिस तरह से हमें जेल में ठोक करके बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को ध्वस्त किया है, जिस तरह से हमें जेल में ठोक करके बाबा साहब अंबेडकर जी के पार्क को इन्होंने नेस्तनाबूद किया है, इसका जवाब देना पड़ेगा। लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे, अलोकतांत्रिक तरीके से नहीं लेंगे। हमारी नाहरपुर की टीम के साथ साथ हमारी वकीलों की टीम एंड निशा तंवर एडवोकेट जी प्लीज आप बाहर आ जाइए। वकीलों के मैं सभी के नाम नहीं ले पाऊंगा अभी, अगर मुझे लिस्ट मिल जाए तो मैं सभी के नाम ले लूं। हरी जी प्रदीप के नाम है क्या सभी वकीलों के? प्रदीप कादियान जी है, एक महमूद पारचा जी है, प्रदीप कादियान जी, महमूद प्राचा जी मेरे बड़े अच्छे मित्र है, मेरे बड़े भाई है। महमूद प्राचा जी सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित एडवोकेट है, मेरे बड़े भाई है, मेरे बहुत अच्छे मित्र है। उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया और मुझे इतना भी पता चल गया, थोड़ा बोलो मत यार, मुझे इतना भी पता चल गया SHO की तो लंका लगा दी थी उन्होंने जी बिल्कुल अंदर, मुझे इतना भी पता चल गया था। राजा है, बात सुनो ध्यान से, राजा है राजा, जेल के भी राजा और सड़कों के भी राजा है। दिल्ली पुलिस अगर ये समझती हो हमारी क्रांति हमारी आवाज थम जाएगी तो वो गलत समझ रहे। माननीय सभी वकील साहब का तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं, माननीय अदालत का सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं, माननीय अदालत ने हमारी बात सुनी, न्याय जिंदा है। नहीं तो हमारे ऊपर जो धाराएं लगाई गई है वो संगीन धाराएं हैं, उन संगीन धाराओं में उन्होंने वो जुर्म साबित करने की कोशिश की कि 6 महीने तक वो हमें अंदर जेल के अंदर ठोक देंगे, लेकिन हम फिर भी बाहर आए हैं। क्या कर रहे हो, इतना शोर मचा रहे हो यार, बयान भी नहीं वो करने दे रहे। ड्राइवर धमका दे, कौन है? बाकी टीम आ गई ना अपनी पीछे से, इतिहास से टीम आई। जय 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 भीम। सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। आज ये जो जीत है हमारे संघर्ष की जीत है, मैं सभी साथियों का धन्यवाद साधुवाद दिल की गहराई से करता हूँ, जिस जिसने इसमें अपना खून पसीना बहाया। और दिल्ली का निकम्मा शासन प्रशासन सुन ले, इस लाइव के माध्यम से उनको यह चेतावनी है। अब तक तो हम ये कहते थे हमारे हाथ बांध रखे हैं, परंतु उन्होंने मजबूर किया है हमें अब एहसास कराने के लिए। शासन प्रशासन काल खोल के सुन ले, वो पार्क कल भी हमारा था आज भी हमारा है। और सुन ले, जो बीच में आएगा ना जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक उनको फोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो। जय भीम। सभी साथियों का फिर से दिल की गहराई से धन्यवाद साधुवाद और सभी को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। साथियों फर्स्ट नहीं हुए बुलंद हुए, ये जितने क्रांतिकारी साथी है ना आज 21वीं सदी की जो लहर होगी अरे टट चौरे हमारी होगी, 21वीं सदी की लहर जो होगी वो हमारी होगी।
और एक दो मिनट रुकाओ, जो इनको रुकाओ, 21वीं सदी की जो लहर होगी वो हमारी होगी। और जिस तरह से इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने और दिल्ली के प्रशासन ने, दिल्ली की पुलिस ने हमारी जुबान को बंद करने की कोशिश की है, उससे कई ज्यादा अब हम बोलेंगे, अब हम दाड़ेंगे। अंबेडकर पार्क, अंबेडकर साहब की प्रतिमा को हम वापस प्राप्त करें, वापस लेंगे। और इलाज हमारे पास हर एक है, ये ध्यान रखना। इलाज हम कलम का भी करना जानते हैं और वो वाला भी करना जानते हैं, ध्यान रखना। अभिव्यक्ति की आजादी है और दिहाड़ी यात्रा करके आ रहे हैं भाई। सबसे पहली घोषणा कर दूं, अब तक हम जेल की कई यात्राएं कर चुके हैं, ये तिहाड़ की यात्रा थी, तो इस पर हम एक किताब लिखेंगे। बहुत कुछ सीख के आ रहे हैं, बहुत कुछ सिखा के आ रहे हैं। तिहाड़ यात्रा क्या बात है, हमारी किताब होगी अगली तिहाड़ यात्रा। और ये लड़ाई कमजोर नहीं रहेगी, कोर्ट में भी लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे। जो हमारे साथियों ने मेहनत की है ना, ये मेहनत अब बहुत ऊपर तक उठेगी। और हाँ, दिल्ली पुलिस की डीसीपी मैडम का क्या नाम था उसका, नाम याद नहीं आ रहा, समझ जाएगी मैडम डीसीपी दिल्ली पुलिस, नवाब सतपाल तंवर की सराफत देख के शरीफ समझे थे क्या, ध्यान रखना, फ्लावर समझे थे क्या, नवाब सतपाल तंवर नाम है हमारा। दूसरी बात, अगला आंदोलन तैयारी कर दो अभी से सबकी। भाई इधर दिखाओ जरा योगिंदर जी, जो बुजदिल होगा वो तो फिर घुस जाएगा, और जो भाई दिलेर होगा तो वो ऐसे शेरों की तरह आएगा जैसे यहाँ शेर खड़े हैं सारे। घर भी तैयार रहेंगे, तैयारी सबके लिए तैयार, अगली तैयारी बाबा साहब अम्बेडकर जी के पार्क को दोबारा पाने की और बाबा साहब की प्रतिमा दोबारा लगवाने की। जय भीम। अगला आंदोलन राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे होगा। जय भीम। बहुत बढ़िया, अब जंतर मंतर की तैयारी करो भाई, जंतर मंतर की तैयारी करो। अब जंतर मंतर की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है किसी को भी। और ध्यान रखना एक चीज का हमेशा, कि जेल में अगर जा करके आए हैं ना हम लोग, तो इस सरकार के ऊपर पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकत के साथ छाती के ऊपर मूंग दलने का काम करेंगे जी। जय भीम। होना चाहिए और ऐसा। सर आप मानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने उस दिन छल बल का प्रयोग किया था, क्राइम किया था, कानून तोड़ा था, मानते हैं? देखिए, कानून का उल्लंघन किया, हमारे हमारे जेल जाने से पहले भी कानून का उल्लंघन किया। और सारी बातें मैं अपने लाइव में बताऊंगा जी जी, क्या क्या होंगी, और फिर हम लोग मिल बैठ के भी बात करेंगे जरूर, हम लोग ऑफिस में भी बैठ के बात करेंगे जरूर सर, कि कैसे इन्होंने पहले छल का, कपट का प्रयोग किया जी, और हमारे जेल जाने के बाद भी इन्होंने हमारे लोगों को दबाने की कोशिश की जी, बिल्कुल ऐसे चुने दबाने की कोशिश की, डीसीपी ने भी दबाने की कोशिश की जी। सर मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, शायद आपकी जानकारी में नहीं है क्योंकि आप जस्ट आ रहे हैं, अभी अभी आए हैं आप। महिला रिपोर्टर नीलम बौद्ध जी का मोबाइल छीना गया, तोड़ा गया और उनका माइक तोड़ दिया गया, दुस्साहस किए गए, बदतमीजी की, रिपोर्टिंग से रोका गया, क्या हमारे समाज के लोग रिपोर्टिंग नहीं कर सकते? पूरा हिसाब लिया जाएगा। अगर जो मारपीट हुई है ना, मारपीट भी हुई है, मारपीट हुई है, रोका गया है जी जी, एक एक वार का बदला लिया जाएगा, ध्यान रखना, एक एक वार का बदला। जबकि हम घटना स्थल से, जहाँ बाबा साहेब की प्रतिमा है जिसको इन्होंने केंद्रित किया है, यहाँ से हम मात्र, बोलिए बोलिए, यहाँ से हम मात्र 600-700 फीट दूरी पर थे और हम अपने अंबेडकर भवन में बैठे थे, आप मौजूद थे, और तभी इन्होंने अचानक धावा बोल दिया। देखिए, जो कि सरासर गैरकानूनी भी कही गई है जी, हम अपने प्रीमिसिस में थे जी, वो बातें हम अभी भी कह रहे हैं जी, लेकिन जी, लेकिन इन लोगों का पर्दाफाश करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे जंतर मंतर पे जी जी, लड़ाई अब जंतर मंतर पे लड़ी जाएगी और बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी, बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी, ध्यान रखना। भाई साहब इधर सड़क हमारी, भाऊजी ऐसा है, सड़क हमारी, आप भी हमारे, कोई दिक्कत है सरदार जी? वो यहाँ खड़ा
चलो एक नया नाम कर दिया भाई, और भीमसेना के सरदार हम क्या होगा सुनो जनाब, सड़क भी हमारी है ध्यान रखना, दिखा दियो पीछे मुड़ के दोबारा पंगा दो भाई चले जाएंगे भैया के साथ आना अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।